हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है क्रिएटिक्स द पार्ट ऑफ वन एकेडमी चैनल पर। बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ क्या रखेगी, कनेक्टेड रखेगी। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दैट सेशन, कल मैंने क्वेश्चन कराए थे इल्यूमिनेशन एंड हीटिंग के ऊपर। अब तक मैं इसके ऊपर 6 वीडियो बना चुका हूं। हीटिंग और इल्यूमिनेशन आपका कंप्लीट हो गया है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसमें जाके देखिएगा। कल लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडक्टेंस आर्क फर्नेस के एडवांटेजेस बताइए, तो विवेक विश्वकर्मा ने हमें सबसे पहले आंसर बताए हैं कमेंट में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर विवेक। और गाइस, कल का सेशन बहुत औसम था, मेरे साथ बच्चे कमेंट में लगे रहे। तो गाइस, चाहे वो रोहन था, विवेक, योगेश, पवन गुप्ता, जितने भी गाइस मेरे को अभी तक नाम याद हैं, थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरे एफर्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। और गाइस, मैं वीडियो चाहे प्रीमियर है लेकिन मैं वहां कमेंट में आपके साथ अवेलेबल रहता हूं, समझ रहे हैं बात, यानी मैं लाइव रहता हूं, चैट करके आप मेरे साथ सेशन को काफी इंटरेक्टिव फील कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो मेरे साथ पूछ सकते हैं। आज नए फॉर्मेट पे आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट सेशन गाइज, स्टार्ट करते हैं चीजों को वन बाय वन, ठीक गाइज। तो लेट्स मूव, दिस इज अवर टीम ऑन एन अकेडमी प्लस, आई डिस्कस ऑलरेडी विद दैट, इन सबको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अन अकेडमी प्लस पर इनसे पर्सनली कनेक्ट होकर अपना एजुकेशन लेवल काफी हाई कर सकते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, सो गाइस, दिस इज माय कोड राहुल 11। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी प्लस पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं राहुल 11, और किसी भी हमारे किसी भी टीम मेंबर का आप कोड यूज कर सकते हैं। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आई एम टेकिंग। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों बेनिफिट है आपके लिए? तो इसका आपको वैसे ही पता है चीजों का, इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि यहां पर सिलेबस ऑन टाइम होता है, ठीक है, फिक्स्ड है टाइमिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस गेट एंड ईएससी। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से आपको गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं आप सिर्फ हमारी लेक्चर देखिए, और भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके भी आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। क्रैश कोर्स आपकी जो रिविजन है उसे बूस्ट करता है, पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम बिफोर एग्जाम आपका, हमारा कमिटमेंट है, कंप्लीट होगा आपका, ठीक है गाइस। मूव नेक्स्ट, लेक्चर्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज किया, जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं है आपके सीखने में। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, गो फॉर इंग्लिश। अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी से पढ़िए, ठीक है, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा अनसॉल्व, मतलब समझ रहे हैं। अगर मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं आपसे तो आप लाइव ही मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी पूछ सकते हैं आप। लैपटॉप कंप्यूटर एंड फोन किसी भी फॉर्मेट में अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है आपका चलेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, वीकली एंड डाउट सेशन आप क्या ले सकते हैं, वीकली और डाउट सेशन है आफ्टर 3 क्लासेस। यहां पर क्या होता है, डाउट सेशन होता है, जो भी आपने पढ़ा है वो आप पूछ सकते हैं। टाइम सीरीज टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, इससे आप टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना गाइस सीखते हैं। सो गाइस, यहां शायद आपको लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपको पता है कि पावर मशीन की क्लास दी जा रही है अंकित सर द्वारा अन अकेडमी प्लस पे, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विशाल सर द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी एक वैकेंसी आई हुई है यूपीपीएससी एई एनएलसी, ठीक है, और आपका एसएससी जेई। सो गाइज, ये पेपर तो आपका होना ही होना है, इसका क्रैश कोर्स मेरे द्वारा और खेमेंदर सर द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है अन अकेडमी प्लस पर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट होने वाला है और आपका मेजरमेंट ऑन गोइंग है, ठीक है गाइज। उसके बाद आपका कंट्रोल स्टार्ट होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वहां स्टार्ट होगा। तो अन अकेडमी प्लस पर जुड़ के आप हमसे इंटैक्ट होके अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक गाइज। मेरी क्लास आती है डेली 7 PM पे, तो प्लीज गाइज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन।
प्लीज अपना गेट और ईएससी मिशन के लिए 2021 और 2022 को अगर आपने टारगेट किया है तो अभी से आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। यूज द हैशटैग गेट प्रेप पेशेंट डेली, वायरल कर दो डीआर इसे, ठीक है, पूरी तरीके से वायरल कर दो, हर जगह फैला दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना। गाइज आप एफर्ट कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन मुझे उस लेवल का जो एफर्ट नहीं मिल रहा आपकी तरफ से सपोर्ट माय वीडियोस और सपोर्ट क्रिएटिक्स टीम। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट सेशन, वो भी किस पे, वेल्डिंग पर। किस पे गाइज? फॉर वेल्डिंग। आज आपको क्या पढ़ाई जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूटिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है, प्लीज डोंट मिस इट। सो देखते हैं वेल्डिंग क्या होती है हमारी, वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं वेल्डिंग। सो गाइज इट इज ए प्रोसेस in which we join two metal plates with the help of increasing temperature, ठीक गाइस, अप्लाइंग प्रेशर और फिलिंग द मटेरियल, ठीक है, फिलिंग द मटेरियल, सो इज कॉल्ड वेल्डिंग। सो ये इट इज द प्रोसेस, वी यूज टू मेटल प्लेट्स, मतलब क्या है, अगर दो मेटल प्लेट्स हैं, मुझे अगर इन्हें कनेक्ट करना है, उन्हें जोड़ना है, तो मैं किसका यूज करता हूं, वेल्डिंग का यूज करता हूं, और उसके अंदर क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके इनके ऊपर, ठीक है, और फिलिंग मेटीरियल का यूज करके मैं क्या करता हूं, वेल्डिंग करता हूं। सो गाइज हमारा टारगेट क्या है यहां पढ़ने का, हमारा टारगेट है गाइज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो अब पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे, सो वी ज्वाइन, इफ वी ज्वाइनिंग टू मेटल प्लेट्स विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन देन इट्स कॉल्ड द या इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ओके गाइज, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइज यहां पर मैंने दो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज वेल्डिंग, ओके गाइज, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो वेल्डिंग में क्या, दो मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर और फिलिंग द मेटीरियल, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का मतलब जब दो मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ज्वाइन होते हैं तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस फर्दर मूव करते हैं अपना, ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है गाइस, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग
इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। ठीक है गाइस, चैनल को शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करना। अब एडवांटेज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया डियर, इट इज इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल। सेकेंड पॉइंट, क्लीन वेल्ड एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग, इट इज क्लीन वेल्डिंग। क्योंकि वेल्डिंग करते वक्त कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, जो आपका आसपास का एरिया है या आपका जो जॉब है वो क्या हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको वेल्डिंग मिलती है पूरी क्लीन वेल्डिंग मिलती है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। एंड फोर्थ पॉइंट गाइस, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेल्डिंग, आपको एक जैसी वेल्डिंग मिलेगी हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि जॉब के ऊपर कहीं पर वेल्डिंग ज्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई। फिफ्थ वन इज इजी ऑपरेशन। तो गाइज ये सिर्फ जनरल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, इट इज इजी ऑपरेशन, इट इज ओनली फॉर जनरल पर्पस, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। ठीक है गाइज, सो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब हमें कौन कौन सी वेल्डिंग पढ़नी है, ठीक है, किस टाइप की वेल्डिंग हमें गो थ्रू करना है, यानी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जो होती है गाइस, इट इज टू टाइप, वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ओके गाइस, वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अनदर इज आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। सो गाइज आपको यहां पर चीजें क्लियर हो रही हो, तो रेजिस्टेंस के भी क्या है गाइज, डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, कौन कौन से, आई एम डिस्कस विद यू वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट गाइज इज बट वेल्डिंग, फर्स्ट इज बट वेल्डिंग। आई होप आज का आपको काफी इंटरेक्टिव लग रहा हो सेशन। सेकेंड इज गाइज फ्लैश वेल्डिंग, और इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, आप प्रिंट भी करा सकते हैं नोट्स को, ठीक है। थर्ड है गाइज हमारा फ्लैश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, फोर्थ वन है गाइज हमारा सीम वेल्डिंग, और फिफ्थ वन है हमारा लास्ट, फिफ्थ वन इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक गाइज, अब आर्क में कौन कौन से हमारे पास, मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक गाइज, सेकेंड कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, थर्ड वन इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, फोर्थ वन इज हीलियम वेल्डिंग। सो इन वेल्डिंग्स को हमें वन बाय वन गो थ्रू करना है डीएस, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। हम सबसे पहले लेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, उससे पहले किस पॉइंट पर कैसी कैसी वेल्डिंग यूज करनी है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइज। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर सेलेक्शन, प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इज डिपेंड ऑन, इज डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके गाइस, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो गाइस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लाइन ले लेता हूं रेड कलर, सो दैट इट विल बी वेरी इंस्ट्रक्टिव। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर है, उसे डिस्कस करेंगे हम। वी यूज टाइप ऑफ मेटल, विच टाइप ऑफ मेटल यू यूज फॉर वेल्डिंग, टाइप ऑफ मेटल टू बी वेल्ड, यानी आप किस तरीके का मेटल यूज करने वाले हैं। वेल्डिंग का सिलेक्शन ये देखकर भी होगा, यानी इट इज कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, फेरस, एलॉय, व्हाट टाइप ऑफ मेटल दैट यू आर गोइंग टू बी वेल्ड। तो विच टाइप ऑफ वेल्डिंग वी यूज, इट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर ऑल्सो। ओके गाइज, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। सेकेंड वन है गाइज, कॉस्ट इन्वॉल्व। देखिये बेट, हम पहले ही बता चुके हैं, वी आर इंजीनियर्स, वी आर मेड फॉर द कॉस्ट कटिंग्स। ओके, कम बजट में हमें अच्छा काम करके देना है, तो कितना आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखनी है इस पे भी डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल टू बी फैब्रिकेटेड, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल या प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड। प्लीज इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट है गाइस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एडॉप्टेड और वेदर यूज्ड। सो गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। ठीक है, टाइप ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट, ठीक है, या वेल्डेड, कॉस्ट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ मेटल और प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एडॉप्टेड। सो गाइज, इसमें क्या है लास्ट वाले पॉइंट में कि किस टाइप की टेक्निक में इसके अंदर यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, मतलब प्रोडक्शन के लिए मैं किस टाइप के, ये टर्म जो है ये मैकेनिकली है, तो हमें इतना बियॉन्ड नहीं जाना, अदरवाइज अगर हम ज्यादा जाएंगे तो हम अपना पर्पस जो है वो क्या करेंगे, खो देंगे इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइज, लेट्स स्टार्टेड वन बाय वन आवर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो मैं इसे जरा पिक को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले, है ना, क्योंकि तो अगर चीजें आपको दिखेंगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी आपकी। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्टेड अवर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके गाइस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सो व्हाट हैपेंड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डियर, इसके अंदर क्या है, देखो सिंपल सा फंडामेंटल है हमारा कि अगर मान लीजिए मुझे ये मेटल है मेरा प्लेट और मुझे इन्हें ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, इन्हें मैकेनिकली प्रेशर से मैं इन्हें क्या कर दूंगा, ऐसे करके टच करा दूंगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट इनके अक्रॉस फ्लो करा दूंगा, तो इनका जो ये सरफेस एरिया है ये क्या करेगा, करंट को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और हमें पता है जब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट, तो क्या होगा, इनके बीच में हीट डेवलप होगी और हीट डेवलप होने से हमारा मेटल ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है गाइस इसके अंदर। यहां पर देखिए ये मेटल प्लेट है, ठीक है गाइस, यहां पर मैकेनिकली प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है इनके ऊपर। ठीक है, ये यहां पर ये जो पॉइंट है इन दोनों के ऊपर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम गाइस, मैकेनिकल प्रेशर, याद रखना गाइस इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं और देखिए यहां पर क्या हो गई हमारी वेल्डिंग डन हो गई, आवर वेल्डिंग इज डन। ठीक है,
ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके गाइज, सो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, सबसे पहले क्या है, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि व्हाट हैपन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सो गाइज, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन दिस मैटर, इन दिस मेथड ऑफ वेल्डिंग, द हाई अमाउंट ऑफ करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू द मेटल मेटल टू बी ज्वाइंट एंड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय मेटल सरफेस हेंस ही डेवलप्ड एंड मेटल गेट वेल्डेड metal get welded metal get welded। so guys यहां पर एक बात याद रखना, it's work on the principle of pressure plus heat। तो heat तो current produce करता है और pressure कहां applied करते हैं हम, pressure applied on the इलेक्ट्रोड्स। ठीक है गाइस, तो प्रेशर हम कहां अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोड्स पर। बट क्या ये इतना मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। क्या, पहला एक रिक्वायरमेंट होती है बेटा इसकी, देखिए ये मेटल की सरफेस है जो वेल्ड होनी है ना, तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मेटल सरफेस मस्ट बी क्लीन। ओके गाइस, मेटल की सरफेस कैसी रहनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी यूज्ड। ठीक है, सो गाइस यहां पर वोल्टेज जो होगी आपकी, वी यूज ओनली 4 to 12 volts। ठीक है गाइस, अमाउंट ऑफ करंट वी यूज्ड, इन डाटा को गाइस प्लीज अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। 100 एम्पियर से भी ज्यादा, greater than 100 ampere and power 60 watt to 180 watt is for each square of millimeter area। please guys, main अच्छे से यहां पर बॉक्स में बंद कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, इन्हें अपने माइंड में रखिएगा। इंपॉर्टेंट, मस्ट नोन। ठीक है, सेकंड पॉइंट दैट गाइस, हेयर करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं हम, करंट
इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओके गाइस और चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो, इतना मोर देन सफिशियंट है ठीक है। और लास्ट पॉइंट है गाइस, व्हेन द वेल्डिंग इज डन कीप कट ऑफ द सप्लाई, इट इज आपको अंडरस्टैंडेबल है। तो देखो आपको मैंने यहां पर चीजें कितनी अच्छे क्लियर तरीके से बता दी हैं, एग्जाम में इससे फर्दर एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सो गाइस आगे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है गाइस, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है गाइस। सो कीप इन माइंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इट इज यूज्ड टू जॉइंट सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल आर वेल्डेड, सिमिलर मेटल आर वेल्डेड, ठीक है, रिमेन इन योर माइंड। सेकेंड पॉइंट इज दैट गाइस, रैपिड वेल्डिंग एक्शन, ठीक है, मतलब आपको बहुत तेजी से, अगर आप YouTube पे भी सर्च करके देखेंगे ना रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, तो आप देखेंगे बहुत तेजी से वेल्डिंग हो जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, थर्ड वाला, लेस स्किल रिक्वायर्ड, मतलब गाइस देखिए एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग, इसके अंदर जो स्किल, मतलब आपको ज्यादा, आप मतलब बहुत अच्छे से वेल्डिंग अगर आपको नहीं भी आती तो डजंट मैटर, इसमें ऐसे मतलब लेस स्किल है तो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, सुटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन, अगर आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है तो वी गो फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लार्ज नंबर पर चीजों को बनाना है, वेल्ड करना है। और लास्ट में नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड, ओके गाइस, नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड, जाहिर सी बात है हम इसके अंदर कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस इसके डिसएडवांटेजेस, प्लीज एग्जाम पॉइंट के लिए इन्हें याद रखिएगा, तो इन्हें मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है। दे रिक्वायर्ड हाई इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई, एक मिनट गाइस, रब इट गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना, आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो मुझसे डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाई इनिशियल कॉस्ट, एक मिनट, हैंडराइटिंग साफ आना चाहिए ना, हाई इनिशियल इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक गाइस। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम से के लिए ही, ठीक है, इन्हें आप अपने माइंड में हमेशा रखोगे क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो देखिए बेटा मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो पूरे एक अच्छे लेवल पर खत्म करा दिया है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सो मूव करते हैं फर्दर अपना नेक्स्ट पेज पे, हाँ गाइस, अवर नेक्स्ट पेज, दिस इज अवर नेक्स्ट वेल्डिंग। सो गाइस
इसका नाम है बट वेल्डिंग, वी कॉल इट एज बट वेल्डिंग, वी कॉल इट एज बट वेल्डिंग। सो इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को हम देखेंगे यहां पर। तो यहां पर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो डायग्राम के अंदर आपको कुछ क्लियरिटी दिख रही होंगी चीजें कि यहां पर एक फिक्स प्लेट है, यहां पर एक मूविंग प्लेट है, यहां पर क्लैंप्स हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, ठीक है। ठीक, तो दिस इज अवर बट वेल्डिंग, और व्हाट हैपन इन बट वेल्डिंग लेट्स गो डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द बार्स एंड प्लेट्स टुगेदर एंड टू एंड वन बार is fixed in clamp and another bar is movable। ठीक है, connected with clamp, यहां पे भी ये किससे connected होगी, clamp से, movable clamp। ठीक है guys, so ये जो है हमारा diagram, देखिए guys यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज अवर फिक्स्ड बार। ठीक है, इसे आप फिक्स्ड बार भी कह सकते हैं। दिस इज अवर मूविंग बार, दिस इज क्लैंपिंग प्रेशर। एंड वन थिंग दैट मस्ट हैव टू रिमेन योर माइंड गाइस, दिस क्लैंपिंग इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दिस क्लैंपिंग इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है गाइस, दिस इज आवर सप्लाई वी। ठीक, तो ये जो क्लैंप होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं, सप्लाई से, यहां पे करंट आता है। सेम वही प्रोसेस है जो अब तक किया है, बस फर्क क्या है, अब क्या होगा गाइस, ये दो इसके अंदर किस तरीके से आपको करना है, आपके पास दो रोड है, this is not metal plate, this is bars, this is used for bars। ठीक है guys, याद रखना bar, छड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये जो electrodes हैं इन्हें मुझे connect करना है, तो एक को तो मैं fixed रखूंगा, इसे मैंने fixed कर दिया, इस वाले electrode को मैं लेके आऊंगा पास में movable clamp के थ्रू, attached करूंगा, high amount of current flow होगा, उसके बाद जैसे ही ये weld हो जाएंगे due to the heating effect of current, supply is off। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, कितना वोल्टेज हम यूज करते हैं सप्लाई वोल्टेज, सो गाइस वी यूज 2 to 8 वोल्ट, वी गाइस यूज 2 to 8 वोल्ट। फॉर करंट वी यूज 50 एम्पियर, मोर देन 50 एम्पियर। ठीक है गाइस, वी यूज मोर देन 50 एम्पियर, दिस इज अवर 50 एम्पियर। ओके गाइस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको यहां पर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज वी यूज, ठीक है, 2 to 8 एंड 50 एम्पियर। ठीक गाइस, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट गाइस, प्लेन एंड बट वेल्डिंग, प्लेन एंड बट वेल्डिंग आर यूज्ड अप टू मटेरियल having thickness of
25 मिलीमीटर। ठीक है गाइस, आई मार्क इट विद ब्लैक, कीप इन योर माइंड। ठीक है, 25 मिलीमीटर की अगर बार की थिकनेस है, वहां तक हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वहां तक हम यूज करते हैं प्लेन और बट वेल्डिंग को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, दिस वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर स्टील रेल हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 6.25। एक मिनट गाइस, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लीज कीप इन योर माइंड, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक गाइस, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, एक मिनट गाइस, कुछ ठीक है, ठीक गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी आपको रखना है आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेट वेल्डिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रोड फिक्स्ड है, एक मूवेबल है, करंट आएगा, करंट फ्लो होगा और ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक गाइस, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी वन बाय वन। तो मूव करते हैं फर्दर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज करेंगे नेक्स्ट वेल्डिंग है, दिस इज अवर पिक, वी यूज फ्लैश वेल्डिंग। ठीक है गाइस, फ्लैश वेल्डिंग, दिस इज अवर फ्लैश वेल्डिंग। सो गाइस, फ्लैश वेल्डिंग में क्या होता है आपको मैं बताता हूं। देखो गाइस, ये यहां पर ये तो हम सप्लाई दे रहे हैं, ये वाला पार्ट मेरा सेम टू सेम बट वेल्डिंग की तरीके से है, ये तो मेरा पार्ट फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट मेरा मूवेबल है, बट यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द वोल्टेज। समझ लो गाइस, यहां पर सबसे पहले वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी जब वोल्टेज अप्लाई करा है तो सर्किट अभी क्लोज हुआ नहीं, तो यहां करंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू जीरो, और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, दिस आर्क, वी प्रोड्यूस ए आर्क। यहां पर ये आपको दिख रहा है, इन दिस पिक्चर वी यूज्ड आर्क। तो इस आर्क को क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही ये कनेक्टेड होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एंड आर्क प्रोड्यूसेस बिटवीन दिस पॉइंट, और हमारा मेटल क्या हो जाता है, वेल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर, लेट्स मूव फर्दर, फ्लैश वेल्डिंग। सो गाइस, इन दिस वेल्डिंग वन एंड ऑफ ज्वाइंट मूविंग टूवर्ड्स towards the other electrode, ठीक है भाई, ये move होगा इसकी तरफ, और वो भी एक fixed speed से, ऐसे नहीं आप बहुत तेजी से लेके आ जाओ, यहां पर speed क्या रहेगी, fixed, moving speed क्या होगी, fixed, ठीक है guys, with other electrode we apply the voltage across the electrode so
करंट इज नॉट फ्लो अक्रॉस इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है गाइस, इस प्रोसेस में करंट फ्लो नहीं करेगा, हमने वोल्टेज तो अप्लाई कर दी, वोल्टेज क्या करेगी, बीच में जो एयर है उसे आयोनाइज कर देगी और आर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो आर्क होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बट द आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है गाइस, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, बट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइन द हाई करंट विल फ्लो बाय विच हाई फ्लैशिंग ऑफ आर्क प्रोड्यूस due to this metal is molten and and joint are formed due to forging pressure। ठीक है गाइज, तो पॉइंट इज ओनली फोर्जिंग प्रेशर, मतलब भाई मैं कोई चीज मूवेबल करके लेके आऊंगा, उसके ऊपर प्रेशर डालूंगा ना, उसी के बाद क्या होगा, वो जो ज्वाइंट है उनके बीच हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मैं इसे लेके आया, एक फिक्स्ड है और मैं पहले ही वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बीच में आर्क प्रोड्यूस होने लगा, जैसे ही ये कॉन्टेक्ट टच हुआ हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और इसकी वजह से क्या होगा, खूब सारे आर्क प्रोड्यूस होंगे, टेम्परेचर राइज होगा, हीट डेवलप होगी एंड इलेक्ट्रोड गेट अटैच ड्यू टू दिस, मैं इस पे क्या डालूंगा, प्रेशर। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आगे मूव करते हैं, एडवांटेज ऑफ फ्लैशिंग। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फ्लैश वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ फ्लैश वेल्डिंग। सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, पावर रिक्वायरमेंट इज लेस, अब तक जितनी हमने पढ़ी उनके मुकाबले पावर रिक्वायरमेंट इज लेस। सेकेंड पॉइंट, नो स्पेशल अरेंजमेंट, नो स्पेशल प्रिपरेशन फॉर फेस टू बी वेल्डेड। थर्ड, क्लीन वेल्डिंग इज ऑप्टेन, क्लीन वेल्डिंग इज ऑप्टेन्ड। मतलब क्या है बेटा, जब इसके थ्रू आपको क्लीन वेल्डिंग का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, अगर आप इसे बट वेल्डिंग से करते, यूज्ड बट वेल्डिंग, ठीक है,
इफ यू गाइज यूज बट वेल्डिंग सो आफ्टर ज्वाइनिंग जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा एक प्रोजेक्टेड एरिया आपको बाहर ना थोड़ा इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है इस तरीके से बट वेल्डिंग में बट इसमें जो आपको ज्वाइन मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे मिलेगा क्लियर तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसे बाहर निकल गया वो फ्लैश में आपको दिखाई नहीं देगा ठीक है गाइज इट इज यूज फॉर ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन ठीक है फॉर मोटर फ्रेम्स ठीक है ट्रांसफॉर्मर टैंक ठीक है और स्टील शीट कंटेनर तो ये जो एडवांटेजेस है बेटा इसके किसके फ्लश वेल्डिंग के प्लीज रिमेन इन योर माइंड दे आर आस्क इन एग्जाम सो मेनी टाइम्स तो इसमें क्या है सबसे बड़ा जो पॉइंट है एज कंपैरिजन टू ठीक है सबसे बड़ा जो पॉइंट है सिर्फ ये है कि मैं इलेक्ट्रोड के बीच में पहले वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं जब वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं तो करंट नहीं होता आर्क प्रोड्यूस होता है वेल्डिंग यहां किसकी हेल्प से हो रही है आर्क और आर्क पहले ही हीट प्रोड्यूस करके ठीक है और जैसे जैसे हम पास लेके जाते हैं इलेक्ट्रोड्स को लार्ज अमाउंट ऑफ आर्क आर प्रोड्यूस्ड ठीक है गाइज तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी सो गाइज मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वेल्डिंग पर सो हमारी जो नेक्स्ट वेल्डिंग है गाइज वो है नेक्स्ट पेज स्पोर्ट वेल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट सो गाइज इसे मिस मत करना इसे देख के जाओ और प्लीज क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया होगा मुझे पता है और वीडियो को शेयर तो बिल्कुल नहीं करा होगा क्यों करोगे भाई है ना लेकिन प्लीज यार कर दो यू आर स्टूडेंट्स प्लीज कर दो बेटा सपोर्ट ठीक है वीडियो को वायरल करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाओ कि क्रिएटिव स्ट्रीम आपको किस तरीके का एफर्ट दे रही है कैसा कंटेंट दे रही है ठीक है गाइज सो लेट्स मूव फॉर द स्पॉट वेल्डिंग सो दिस इज स्पॉट वेल्डिंग तो स्पॉट वेल्डिंग का नाम से ही मतलब पता चल रहा है हमें देखो स्पॉट मतलब यहां पर वेल्डिंग कैसे किस फॉर्म में हो रही है स्पॉट के फॉर्म में हो रही है ठीक है तो सबसे पहली चीज इसके अंदर देखो दीज आर द इलेक्ट्रोड्स ठीक है और ये मेटल प्लेट जिसे वेल्ड करना है और यहां पर ये वाला जो पॉइंट है बेटा जो मैंने रेड कर दिया है ठीक है ये क्या है दिस इज स्पॉट वेल्ड जैसे रिवेट देखिए आपने रिवेट कैसी होती है मेटल के ऊपर इस तरीके का अगर पीस है तो इस तरीके से आपकी रिवेट होती है बाहर उभरी हुई ठीक है दिस इज अवर रिवेट ठीक है गाइस इस तरीके से रिवेट होती है दिस इज रिवेट तो वैसे ही आपको क्या मिलता है स्पॉट मिलता है वेल्डिंग पे सबसे पहली चीज क्या है पॉइंट आपको जो माइंड में याद रखना है इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इसके बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ प्योर कॉपर ठीक है आर मेड अप ऑफ प्योर कॉपर तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके किसके बने हुए होंगे प्योर कॉपर के सेकंड इसमें बेसिकली डिपेंड ऑन स्पॉट वेल्डिंग इज डिपेंड ऑन इट इज डिपेंड अपॉन पहला पॉइंट जनरेशन ऑफ हीट सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन
पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर्जिंग प्रेशर। जो पॉइंट्स बता रहा हूं सारे याद रखना, एग्जाम में आएंगे सब, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्जिंग प्रेशर, तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, मतलब इलेक्ट्रोड जो है मेटल प्लेट पे इस तरीके से प्रेशर लगाएंगे और उसकी मदद से वो जो स्पॉट है वो क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। थर्ड पॉइंट है गाइस, करंट फ्लो फॉर सेकेंड टू सेवरल सेकेंड्स। ओके गाइस, सेवरल सेकेंड्स, ठीक है गाइस। और कितना करंट, करंट की वैल्यू अराउंड 5000 RPM। लुक एट दैट गाइस, 5000 RPMs। ओ सॉरी, आप सबने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मैंने बोला RPM जबकि एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एम्पियर, 5000 एम्पियर्स सबसे ज्यादा करंट यूज करने वाली वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। कभी आप अपनी लैब में, प्लीज इफ यू आर द कॉलेज स्टूडेंट देन यू मस्ट हैव टू गो इन योर वर्कशॉप एंड सॉ ऑल दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं लेकिन प्लीज देखना, आप तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, अपने वहां इंस्ट्रक्टर से प्लीज जाके बात करना, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्टेज वेरी लेस देन 2 वोल्ट। ओके गाइस, पावर फैक्टर हेयर वेरी पुअर, करंट इंक्रीजेस पावर फैक्टर डिक्रीजेस। ओके गाइस, 0.3 to 0.5, लैगिंग की लीडिंग, ऑलवेज लैगिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, स्पॉट वेल्डिंग प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड यूज्ड फॉर शीट हैविंग थिकनेस 10 to 12 millimeter। सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब पता नहीं मेरे को, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, सेशन कितना लंबा हुआ है, आई डोंट नो, ठीक है। तो हमने एक एक पॉइंट को यहां पर गाइज डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अंडरमार्क कर देता हूं यहां, इट इज केम इन एग्जाम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, सारे स्पॉट वेल्डिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट एज, मैं इसे आपके लिए मार्क कर देता हूं यहां, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज डोंट मिस फॉर योर एग्जाम। तो इसके अंदर यहां पर देखिए आपका आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, अंडरस्टैंडिंग देता हूं इस चीज में, ये दो मेटल प्लेट्स हैं, मुझे इन्हें आपस में कनेक्टेड करना है, ठीक है। तो गाइज यहां पर जब मैं प्रेशर डालूंगा, व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर और प्रोड्यूस वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, कितना, 5000, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट स्पॉट इज प्रोड्यूस, सो दैट वी कॉल्ड एज स्पॉट वेल्डिंग।
आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हूं गाइस। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, कैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनअकैडमी की साइट पर जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, जब अनअकैडमी की साइट पर जाके सेलेक्ट करेंगे क्या अपना गोल, गेट एंड ईएससी भूलना नहीं है, क्रैक करके ही छोड़ना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करोगे, सब्सक्रिप्शन कितने महीने का लेना है, 1, 3, 6, 12, 24 डिसाइडेड योर बाय सेल्फ। लेना तो 2 ईयर का लेना, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो तो 1 साल पढ़ो, फोर्थ ईयर में अप्लाई करो, रिविजन करो, ठीक है, और आगे बढ़ो लाइफ में, क्रैक करो सीधा पेपर। मेरा कोड सीधा पूरा पेमेंट पे मत कर देना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा कोड यूज करके राहुल 11 कोड, इफ यू गाइस यूज माय कोड देन यू सपोर्टेड मी, ठीक है, यू सपोर्ट क्रिएटिक्स टीम। सो अनअकैडमी प्लस पर जुड़ जाओ, बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं वहां पर, आपको अच्छा सिखाएंगे, आपका लर्निंग प्रोसेस हाई करेंगे, ठीक है। देन फाइनली पे गॉट ईएमआई, ठीक है, ऑप्शन आपको जैसे लेना है ईएमआई ऑप्शन लो, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे साथ बने रहना, टेलीग्राम क्रिएटिक्स चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ लेक्चर के तुरंत बाद मिल जाएगी, ठीक है गाइस, तुरंत बाद मिल जाएगी। और कोई डाउट है कमेंट में पूछना। आज का क्वेश्चन है स्पॉट वेल्डिंग में कितना करंट यूज करते हैं, ठीक, मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं। और सेकंड पॉइंट कि बट वेल्डिंग का यूज क्यों करते हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग में कितना करंट, बट वेल्डिंग के अंदर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक, अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, हास्ता ला विस्ता, ओके।